हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल श्याम जी में। आज मैं आपको गूगल के साइट से कुछ ट्रिक्स लेकर आया हूँ। ये ट्रिक्स इतना मजेदार है कि जिसको जो भी देखेगा वो इसे जरूर एक बार अप्लाई करना चाहेगा। तो मैं एक ऐसी ही ट्रिक्स लेकर आया हूँ जो कि आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा ये ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करना है और आप इसका जो है कैसे जो है इंजॉय कर सकते हैं इसको। तो आइए, जिस ट्रिक के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ उस ट्रिक के बारे में बताने चल रहा है। आइए, जिस ट्रिक के बारे में हम बात करना चाहते हैं आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सभी लोग जानते हैं कि गूगल जो है सभी चीजों का जानकार है। बिल्कुल सही बात है, और ये ट्रिक्स जो है उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। तो ये ट्रिक्स भी आज हम उन्हीं के पेज पर भी अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो ट्रिक्स कौन कौन सी है जो हमें और आपको बहुत ही अचंभित करेगी और बड़ा मजा भी आएगा। तो सबसे पहले ट्रिक्स जो है सभी लोग जानते होंगे, लेकिन शायद ही बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि यदि आपका मोबाइल खो जाए और उसमें आपने ईमेल आईडी दे रखा है, रजिस्टर्ड आपने किया हुआ है मोबाइल के साथ, तो बेशक जो है थोड़ी बहुत गारंटी तो बनती है कि आप उस मोबाइल का लोकेशन वगैरह पता कर सकें। तो उस केस में हम उस मोबाइल का लोकेशन कैसे पता कर सकते हैं, आइए हम गूगल के हेल्प से जानते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली जो है google.com के अंदर सर्च पेज में टाइप करेंगे हाउ फाइंड माई डिवाइस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है फाइंड माई डिवाइस गूगल पर। जब आप फाइंड माई डिवाइस गूगल पे क्लिक करेंगे तो आप एक बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जब आप क्रोम पेज के थ्रू जब google.com में टाइप करेंगे फाइंड माई डिवाइस, तो आपका जो साइन अप होना चाहिए, जब आपका लॉग इन होना चाहिए, वो उसी ईमेल आईडी से यहाँ पे होना चाहिए जिस ईमेल आईडी को आपने अपने मोबाइल में जो इंटर किया हुआ था। ठीक है, तो जब आपका वो मोबाइल जो है यहाँ पे इंटर रहेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्टेक्टिंग डिवाइस, यहाँ पे वो जो है कि यहाँ पे डिवाइस जो कनेक्ट हो रहा है। यदि वो ईमेल आईडी एक्टिव होगा और आपने डाला होगा वहां पर, तो बेशक जो है यहाँ पे वो कॉन्टेक्ट करेगा और आपको बताएगा यहाँ पे इस मैप के थ्रू कि वो मोबाइल इस समय कहाँ पर है। अच्छा, एक फायदा ये है। दूसरा फायदा ये है कि आप उस मोबाइल पे एक रिंग कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 5 जो है इस 5 मिनट के लिए वो यहाँ पे कॉल भी जो है कनेक्ट करेगा, वहां उस मोबाइल पे एक रिंग जाएगा 5 मिनट के लिए। साथ में यहाँ पे और भी दो ऑप्शन है, आप अपने डिवाइस को जो है सिक्योर कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे जो है न्यू पासवर्ड वगैरह डाल के सिक्योर कर सकते हैं। साथ में आप जो है इस मोबाइल में डेटा है उसको इरेज यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है All data will be permanently deleted from this device after your device has been erased. You can't locate it. ठीक है? If your device is offline, erasing will be begin when it next come online. जैसे ऑनलाइन होगा तो हो जाएगा। To erase your device, you may need to sign into your Google accounts again. ठीक है? तो इस तरह से जो है अपने डिवाइस को जो है या तो पा ही लेंगे या फिर हो सकता है कि उसके डेटा वगैरह को डिलीट करके अपने डेटा को सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, ये थी एक बेस्ट ऑन बेस्ट ट्रिक जो कि आप अपने मोबाइल को कोई भी मोबाइल को यहाँ से पा सकते हैं। गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि लोकेशन वगैरह पता करके आप तक हो सके पहुंच सकते हैं अगर वो मोबाइल ऑनलाइन हो और उसका जो डिवाइस लोकेशन होता है वो ऑन हो। तो कोशिश करें कि आप एक ईमेल आईडी उस मोबाइल के साथ हमेशा जो रजिस्टर करके रखें और साथ में अपने डिवाइस का लोकेशन भी ऑन करके रखें, क्या पता कब क्या घटना घट जाए। ठीक है, तो ये एक ट्रिक थी। अभी आइए दूसरे ट्रिक के बारे में बात करते हैं। दूसरी ट्रिक ये है कि अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में क्या जो है अभी वेदर कितना क्या है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है, यदि आप जानना चाहते हैं कि दीपावली कब है इस महीने, यदि आप जानना चाहते हैं कि त्योहार कब है इस साल, ठीक है, तो आप जो यहाँ पर है गूगल के सर्च बॉक्स से बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं। तो आइए दिखाता हूँ मैं एक एग्जांपल आपको। गूगल के सर्च बॉक्स में मैंने टाइप किया वेदर WETH, मैंने यहाँ वेदर टाइप किया, वेदर इन कोलकाता ही रख लेते हैं। और मैंने जब यहाँ पे टाइप किया तो आप देख सकते हैं कि कोलकाता का वेदर रिसेंटली जो है अभी यहाँ पर क्या है। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं कि दिल्ली का जो है वेदर क्या है, यहाँ पे टाइप सिंपल जो है यहाँ पे कीवर्ड टाइप करेंगे और वो जो है आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितना आसान है हम किसी भी शहर का और किसी भी जो है फेस्टिवल का डेट जो है हम यहाँ से जा सकते हैं। तो मैं आपको एक फेस्टिवल का भी दिखा देता हूँ और होली के बारे में देख लेते हैं। और फेस्टिवल ऑफ होली,
देख सकते हैं फेस्टिवल होली, जब मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया तो यहाँ पर उसने जो है यहाँ पर उसने दिखा दिया कि होली जो है इस बार कब है, तो मंडे 9 मार्च, ट्यूजडे 10 मार्च। यहाँ पे उसने डेट भी दिखा दिया है। इस तरह से जो है आप जो है किसी भी जैसे मैं एक और दिखा देता हूँ, दीपावली, दीपावली का एक बार देख लेते हैं हम लोग कि कब है दीपावली 2020 में। तो देख सकते हैं कि दीपावली का यहाँ पे 13 सैटरडे 14 नवंबर। तो इस तरह से जो है आप बहुत ही आसान तरीके से गूगल की मदद से आप जो है किसी भी कंट्री का वेदर, किसी भी फेस्टिवल का डेट वगैरह आप जो है बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। तो ये हुई दूसरी ट्रिक बहुत ही मजेदार, तो ये हुई दूसरी ट्रिक जो कि बहुत ही मजेदार थी, ठीक है। उसी तरह आइए तीसरे ट्रिक के बारे में जानते हैं। तीसरी ट्रिक है, जैसे आप कभी क्या होता है कि गूगल में जाते हैं, यदि आप पेरेंट हैं और देखना चाहते हैं कि सपोज आप सर्च कर रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर के बारे में अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि कंप्यूटर केवल यहाँ पे डिस्प्ले ना हो, वो मुझे पीडीएफ के रूप में मिल जाए, तो आप यहाँ पे सिंपल टाइप कर सकते हैं व्हाट इज कंप्यूटर इन हिंदी, इंग्लिश, जो भी कुछ है, ठीक है, इन हिंदी या इंग्लिश या जो भी कुछ। उसके लास्ट में आप जो है पीडीएफ लगा देंगे, पीडीएफ जब आप लगाएंगे तो जो भी आपको पेज नेक्स्ट मिलेगा वो पीडीएफ के रूप में मिलेगा, और आप यहाँ से देख सकते हैं इजीली तरीके से आके डाउनलोड करके जो आप पीडीएफ में इसको निकाल सकते हैं मोबाइल। तो ये हुई आपकी तीसरी ट्रिक जो कि बहुत ही मजेदार थी। आइए एक मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने जा रहा हूँ बीते हुए जमाने के ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि आपने सुना होगा विंडो 93 विंडो 98 विंडो 95। तो उस जमाने की सिस्टम तो शायद हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने यूज नहीं किया, हो सकता है लोगों ने देखा भी ना हो। तो अगर आपका उसको यहाँ पे देखना चाहते हैं वर्चुअल रूप में या आप यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल जो है विंडो 93, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ विंडो 93, मैंने यहाँ पे विंडो 93 टाइप किया, यहाँ पे देख सकते हैं कि विंडो 93 का जो यहाँ पर आ गया www.window93.net। जब आप इस पे क्लिक करेंगे सिंपल, तो ये जो है एक सीएमडी के रूप में सारे अपने फाइलों को अपलोड करेगा, ठीक है, इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है, आप आपके विंडोज पे ही ये रन कर रहा है और ये ब्राउजर के थ्रू रन हो रहा है, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आप सिंपली इसको केवल देख सकते हैं और थोड़ा बहुत इसका फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो ये अभी लोड हो रहा है, अपने फाइलों को ये लोड कर रहा है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ये लोडिंग हो रहा है जैसे अपना विंडो 7 विंडो 10 होता है। और आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज मैंने आपको बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। आप यहाँ पे अपने सिस्टम पे क्रोम ब्राउजर के थ्रू और विंडो google.com के थ्रू जो है 93 का जो है आनंद ले रहे हैं, वो भी यहाँ एकदम क्लियर देख सकते हैं कि विंडो 93 के कुछ यहाँ पे आइकन्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे उसका स्टार्ट बटन है, आप यहाँ पे स्टार्ट बटन भी उसका देख सकते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीजें जैसे आपके सिस्टम में होता है, ठीक है, यहाँ से इसका फुल स्क्रीन भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे फुल स्क्रीन करेंगे तो फुल स्क्रीन में आ गया, इसके आप बटन प्रेस करें तो बैक हो जाएगा वो। इसे देख सकते हैं यहाँ पे इसका कुछ एक्सप्लोर टाइप का है, जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोर होता है विंडो 7, तो उस तरह से जो है यहाँ आइकन्स बने हुए हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं बैक हो जाता हूँ यहाँ से, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर दोस्तों ये पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि मुझे मोटिवेट हो मैं और ऐसी चीजें मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल का बटन भी दबाएं, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मेरा जो है वीडियो का मिलता रहे। तो ये था एक ट्रिक, मैंने ट्रिक नंबर 4 आपको बता दिया। एक और ट्रिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ट्रिक नंबर 5। बहुत लोग होते हैं कि जो आर्टिकल पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो ब्लॉग बना रहे हैं तो वो आर्टिकल सर्च करते रहते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं कि ये आर्टिकल कुछ समय पहले किसने लिखा या कुछ समय के मतलब किसने लिखा, कब लिखा, आप ये सारी चीजें जो है यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर मैं अभी टॉपिक सर्च करूँ व्हाट इज, एक टॉपिक ले लेते हैं कि इससे रिलेटेड मुझे चाहिए व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये देखूं कि व्हाट इज कंप्यूटर किसने लिखा, मैं व्हाट इज कंप्यूटर को क्लिक कर दिया और मैं जानना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर क्या है और इससे रिलेटेड आर्टिकल किसने लिखा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, टूल्स पे क्लिक करेंगे,
ठीक है। तो उस पर क्लिक करने के बाद एनी टाइम से ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स आपके नीचे आए हुए हैं ये किसी ना किसी समय में हुए, लेकिन आपको अगर कोई पर्टिकुलर डेट में देखना है कि फर्स्ट आवर में किसने लिखा, फर्स्ट 24 आवर्स में कितने लिखा, वीक में कितने लिखा, तो बीते हुए मंथ में किसने लिखा, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करके कोई एक डेट सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे जो है आपको दिखाएगा कि इस महीने इसने लिखा था, बीते हुए महीने में इसने लिखा था, बीते हुए महीने में इसने लिखा था। तो हुई ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात, आपको बैठे बिठाए ये सारी चीजें मिल जा रही है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि आप यहाँ पे ये भी जान जा रहे हैं कि इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है इस महीने इस, आप चाहे तो उस यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किसने लिखा। जब आप इससे रिलेटेड सारी चीजें जो आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस महीने में किस दिन उसने लिखा था। तो आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपने कीवर्ड यानी डेट सेलेक्ट किया, ठीक है, फर्स्ट आवर भी दे सकते हैं कि एक घंटे पहले किसने लिखा या कुछ घंटे पहले किसने लिखा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है, या टिप्स क्या है, बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा जो आज मैंने आपको जो है इतने सारे जो है टिप्स और ट्रिक्स दिए। पहला टिप्स मैंने दिया कि आप अपने मोबाइल को कैसे जो है ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और उसके डेटा वगैरह कैसे रिच कर सकते हैं। दूसरा मैंने ट्रिक्स बताया कि आप अपने गूगल की मदद से आप कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कैसे पीडीएफ रूप में निकाल सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट को। उसके बाद तीसरा ट्रिक्स मैंने बताया कि कैसे जो है आपने विंडो 93, तीसरा ट्रिक्स मैंने बताया कि विंडो 93 को आप जो है कैसे उसका जो है थोड़ा बहुत आनंद फन के रूप में ले सकते हैं, जो कि बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, तो आज आप वो जाकर जरूर ट्राई करें, आपको बहुत आनंद आएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी दिखाएं ताकि वो भी आश्चर्य में पड़ जाए, वंडरफुल हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया चौथे ट्रिक की ब्लॉग में आर्टिकल कैसे सर्च करते हैं, पर्टिकुलर डेट में उस आर्टिकल को कैसे देखा जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वेदर, उसके बाद मैंने बताया कि वेदर्स या फेस्टिवल वगैरह कैसे सर्च कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो है मैंने आपको टोटल 5 ट्रिक्स और टिप्स बताए हैं वो भी गूगल की मदद से। तो आशा करता हूँ कि ये आपको टिप्स और ट्रिक्स बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया अगर पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, इसको शेयर भी करें ताकि इसका आनंद दूसरे लोग भी ले सकें, लाइक भी करें, और अगर कोई डाउट हो या इससे रिलेटेड इसी तरीके से और ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझे बेशक जो है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इससे भी अच्छे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आऊं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।